मैं नागेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक जो इन्होंने कहा था जानकारी दर्शकों को पूरी दे दूं, उनका नाम है जगदम्बिका पाल और वो 3 बार नहीं, वो 2009, 14, 19 और 24 4 बार के लगातार सांसद रहे हैं, एक दिन के चीफ मिनिस्टर वही थे। पर पहले कांग्रेस के रहे हैं सर, वो 2 बार 3 बार तीसरी बार जी हाँ कांग्रेस के ही थे, फिर वो ठीक है, अब वो अब बीजेपी के सांसद हैं। डुमरियागंज से है, मैं जहां कहा उसके बगल की कंस्टिट्यूएंसी से है। खैर नागेंद्र भाई एक दो चीजें जरा मुझे इसलिए समझा दीजिए कि ये जितने जो जो अभी चल रहा है 2-3 दिन से हम लोगों ने शुरू किया उसकी आप मतलब धीरे 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 उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, हैं वही सब पुराने जो योगी को गाली देने वाले हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, देवेंद्र प्रताप सिंह मेरे जिले के हैं, मतलब ये सारे लोग, कोई नया एक्टर उसमें नहीं आया है। एक एक्टर के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो है, वो उनका नाम है मोती सिंह। अब दूसरा क्या हो रहा है कि हम ही लोगों की बिरादरी के, और अगर कोई कोई कहेगा तो नाम भी ले लूंगा, ऐसा नहीं है, मेरे भी पुराने घनिष्ठ है, मेरे भाई के यहाँ बहुत आते थे, एक बड़े पत्रकार हैं, ब्राह्मण हैं, वो खूंटा गाड़ के उन्होंने जैसे सुपारी ली है योगी को हटाने की, और सारे उत्तर प्रदेश भर के जितने ब्राह्मण मंत्री और MLA हैं वो आके ताज में रुकते हैं, सारे लोग उनके यहाँ जाके दरबार लगाते हैं, और वो अमित शाह उनको उनके थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे लगता है स्कीमिंग जितनी कर लीजिए, शायद इस समय उत्तर प्रदेश के बीजेपी की दृष्टि से अगर हम सिर्फ देखें, हम बाकी नहीं, शायद इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव होता तो अब तक हटा दिए गए होते। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मैं एक आंकड़ा देके आपसे पूछ रहा हूं, आक्षेप ये लगता है कि योगी एंटी ब्राह्मण है, मैं इसको बार बार रेखांकित इसलिए कर रहा हूं कि ये सबसे बड़ी बात चलती है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार जो नए MPs बने हैं उत्तर प्रदेश से, उसमें समाजवादी पार्टी से एक ब्राह्मण MP और 2 राजपूत MP जीते हैं उन 37 में। अब राहुल गांधी को आप ब्राह्मण माने और किशोरी लाल शर्मा को ब्राह्मण माने तो 2 कांग्रेस से जीते हैं ब्राह्मण, और बीजेपी जिसके 33 सांसद आए हैं उसमें 8 ब्राह्मण, 5 राजपूत और 2 वैश्य हैं। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाली पार्टी कहती है ना कि हम सबका काम और दलित, ये सिर्फ बेकूफ बनाती है और इसके अलावा कुछ नहीं। नागेंद्र भाई मैं इस एक और आंकड़ा देके आपसे इस पे लूंगा कि ये जो आज कर रहे हैं ये आत्मघाती है या इससे बीजेपी स्ट्रांग होगी, जरा ये समझें आपसे, क्योंकि इनके जो 24 राज्यसभा के मेंबर है उसमें 2 दलित हैं, ब्रजलाल जी और मृत्युंजय कुमार जी 2 हैं, और जो इनके 79 विधान परिषद के सदस्य हैं बीजेपी के उसमें केवल 2 दलित हैं। तो ईमानदारी की बात यह है कि बीजेपी मूल रूप से एक दलित विरोधी मनुवादी पार्टी है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर नहीं हो तो आप इस तरह का नहीं करेंगे। मेरे पास विधानसभा के भी वो हैं आंकड़े, 2022 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण MLA हैं 52, ठाकुर 49, कुर्मी 41। ये फिगर मैंने सिर्फ इसलिए दे दी कि ये सारा कुछ हो जाने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी के राज में ज्यादा DM राजपूत बिरादरी से हैं, कई SHO भी राजपूत बिरादरी से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या केवल यही एक कारण हो सकता है कि इनको योगी जी को यहां से हटा देना चाहिए? मैं इस पे नागेंद्र भाई आपकी टिप्पणी, और ओवरऑल अगर ये हटाते हैं या नहीं हटाते हैं या हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे, असली मामला तो दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर कुर्सी का है, उत्तर प्रदेश के अच्छे बुरे से तो कोई मतलब नहीं है। आनंद जी शुरुआत हम अगर आपकी एकदम शुरुआती बात से करें कि आप जब माहौल बनाने की बात कर रहे थे कि जब इस कंटेक्स्ट में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब माहौल बनाने की बात हो जाए, जब माहौल बनाने की जरूरत पड़ जाए तो ये मान लेना चाहिए कि परसेप्शन की लड़ाई आप पहले ही हार चुके हैं, और ये माहौल आज से नहीं बन रहा है। ये माहौल योगी 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं, ये पहली बार कोई मुख्यमंत्री था जिसके खिलाफ करीब 125 से 150 विधायकों ने विधानसभा में धरना दिया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ और मुख्यमंत्री वो आज भी बने हुए हैं। ये भी सही है कि 3 साल बाद ही ये मुहिम शुरू हो गई थी और ये लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुहिम तेज हुई, और वो जो इशारा है आपका वो भी अपनी जगह सही है। वो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये इसको मैं अरविंद केजरीवाल के उस बयान से भी आप जोड़ के देखिए जब उन्होंने कहा था कि
मोदी 75 के होंगे और ये अमित शाह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे और दो चुनाव के दो महीने नतीजे आने के दो महीने के अंदर योगी हटा दिए जाएंगे। उन सारी चीजों को देखिए तो वहाँ अमित शाह ने अपनी वाली बात खंडन तो किया लेकिन योगी भी कोई खंडन नहीं किया था। वो सिनेरियो बहुत साफ है। ये भी बहुत साफ है कि ये मुहिम कहाँ से चल रही है और कैसे चल रही है। ये अपने आप में कोई इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि अनुप्रिया पटेल को अचानक चिट्ठी लिखने की याद क्यों आ गई वो और वो चिट्ठी सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेती हैं और सीधा सीधा आक्षेप करती हैं। ये नौबत क्यों आई कि देवेंद्र प्रताप सिंह अचानक मुखर हो गए और इन सब लोगों को हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। संजय निषाद अचानक आज जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा कहाँ से आई है कैसे आई है ये सब समझ में आता है। तो मुझे मैं इस लड़ाई को इस रूप में देखता हूँ कि ये सारी लड़ाई मोदी मैजिक बना योगी मैजिक की है। ये सारी लड़ाई वो है कि इस विधान इस पार्लियामेंट चुनाव में जो डिबेकल हुआ है जो हार हुई है उसमें मोदी मैजिक पर सवाल ना उठे। ये सारी लड़ाई वहां पर है कि मोदी मैजिक पर सवाल ना उठे। अदरवाइज आप देखिए कितनी बैठकों में ये सवाल उठा कि योगी की पसंद का कैंडिडेट था ही कौन। कितनी बैठकों में सवाल उठा कि सेंटर ने योगी की सुनी कहाँ। और ये हम लोग जानते भी हैं। इस सबके बावजूद ये भी अपने आप में सच है कि गोरखपुर इलाके में गोरखपुर मंडल में योगी ने अपनी सारी सीटें जितवा दी और ठीक है मार्जिन सब पे कम हुआ है और इसमें कोई दोरा नहीं कोई वो योगी का ही करिश्मा था कि वो अपने इलाके की सारी सीट जितवा लेते हैं। लेकिन ये भी करिश्मा था कि बनारस के इलाके में सारी सीट हार जाते हैं। तो एक प्रधानमंत्री जहां से लड़ रहा हो जिसके लिए पूरी सेंट्रल फोर्स लगी हुई हो पूरी कैबिनेट लगी हुई हो पूरी भाजपा लगी हुई हो पूरा संघ लगा हुआ हो वहां मार्जिन 5 लाख से घटके 1.5 लाख हो जाए इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये अपने आप में सवाल है जो संदेह पैदा करते हैं। अभी तक बंबई में किसी ने अपनी जिम्मेदारी ली और इस्तीफा ऑफर कर दिया जिस बात की अभी हम लोग शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। तो ये यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है सब जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे हैं। ये मतलब ये अपने आप में आयरनी है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे गृहमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो चलिए मान लिया भाई सेंटर के लोग हैं उन्हें छोड़ दीजिए उनको माफ कर दीजिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जो किसी काम का नहीं है डिफंक्ट है बिल्कुल मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है इसे कोई आधार भी नहीं है वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमारी तो सुनी ही नहीं कि हमने 30 कैंडिडेट हटाने की बात की थी बदलने की बात की थी और वो नहीं बदले गए। तो ये पहला राज्य अपने आप में है मेरे अब तक के करियर में जिसमें कोई कहने के लिए भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और अब अगर हम उस पर बात करें कि योगी को हटाने का मामला क्या है आखिर तो भाजपा इस समय यानी कि मोदी और योगी की भाजपा मोदी और अमित शाह की जो भाजपा है इस समय कमंडल और मंडल की लड़ाई में फंस गई है उलझ के रह गई है। ये बहुत साफ है। उन्होंने ये देख लिया कि यूपी में हमारा कमंडल तो नहीं चला मंदिर तो नहीं चला अयोध्या सिटी मार गए और सारे स्टालवर्ट मतलब संकट में थे। राजनाथ सिंह का मार्जिन कम होता है मोदी का कम होता है और आपकी जो गति होती है यूपी में वो सबके सामने है। तो वो कार्ड आपका नहीं चला ये साफ है। ये भी बहुत साफ है कि संविधान का मुद्दा दलितों का मुद्दा ओबीसी का मुद्दा आरक्षण का मुद्दा नौकरी बेरोजगारी का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से चला। और ये भी हुआ कि जो ब्यूरोक्रेटिक एट्रोसिटीज थी जो पुलिसी अत्याचार था वो भी बहुत मुखर होकर बोला जिसे आप अपना यूएसपी बना रहे थे। तो अब सवाल यह है कि आज की तारीख में ऐसे हालात में योगी को आप हटा दीजिए हमें कोई उनसे मोह नहीं है लेकिन योगी के बाद आपका विकल्प क्या है जाइए भी बता दीजिए। आज की तारीख में अभी आज दिन में कोई सज्जन कह रहे थे कि हमारे एक मित्र कह रहे थे कि भाई वो राजपूत की जगह कोई राजपूत ही लाना चाहेंगे तो हमने कहा राजपूत की जगह राजपूत तो कोई है नहीं है राजनाथ सिंह के अलावा और राजनाथ सिंह इतने समझदार हैं कि वही संकट में तो भाजपा यूपी आने से रहे वो होने वाला नहीं है। अगर ओबीसी की बात आप करते हैं कि अगर 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 चलिए मान लेते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो क्या केशव प्रसाद मौर्य
देखिए सिर्फ ओबीसी का मुख्यमंत्री बन जाना ही सोल्यूशन नहीं है, ये यूपी है और बहुत जटिल स्टेट है, बड़ा स्टेट के साथ में जटिल स्टेट भी, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है, इसको संभालना इतना आसान नहीं है, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी बहुत सेंसिटिव है ये, तो वो भी सारे स्किल हैं, वो भी सारे मामले हैं। तो मतलब मुझे दबंगई वर्सेस दबंगई की इस लड़ाई में यूपी फंसा हुआ दिख रहा है, इसमें अगर कोई फंसा है तो यूपी फंसा है, राज्य फंसा है, यहाँ की जनता फंसी है, बीजेपी तो फंसी है। ये कुछ कुछ वैसे ही हालात हैं कि जब कल्याण सिंह को हटाया गया था, कल्याण सिंह अपने लार्जर अपने 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 कद से ज्यादा बड़े हो गए थे, कुछ वैसा ही योगी को लेकर लग रहा था। एक कल्याण सिंह और योगी में बड़ा फर्क भी है, थोड़ा अलग तरह का फर्क है, उनके उनका आधार दूसरा था, इनका आधार दूसरा है। लेकिन ये भी आनंद जी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अगर सत्ता में रहते हुए मोदी और अमित शाह के लिए संकट बने हुए हैं, तो सत्ता में न रहते हुए बड़ा ज्यादा बड़ा संकट होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर जैसे एक बात हो रही है ना कि भाजपा, अभी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ना कि पार्टी सरकार से ऊपर होती है, तो सही है, वो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से कही, उन्होंने कुछ इशारे इसमें कुछ इशारे नहीं थे कि पता नहीं क्या कल को वो चर्चा है, तो ये भी है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे या क्या बन जाए, जो भी है इशारे बहुत से होते हैं उसमें। लेकिन मुझे ये लगता है ना कि जब ये नौबत आ गई हो तो योगी के कंटेक्स्ट में मुझे ये भी कहना पड़ता है कि भले ही नरेंद्र मोदी जी ने ये कभी कहा हो कि हमें क्या है, हम तो झोला उठा चल देंगे, लेकिन ये कुव्वत योगी आदित्यनाथ में ज्यादा है, क्योंकि वो तो न भाजपा के हैं न संघ के हैं, वो तो मठ वाले हैं, वो तो मठपति हैं, महंत हैं, और वो अपना झोला उठा चल देंगे। लेकिन झोला उठा कर जाने बाद जब महंत वहां जब महंत बैठेगा तो वहां से क्या खेल होगा, ये इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि योगी एक ऐसी फांस है जो न मतलब जो ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी गई है जिसमें मुझे आज की तारीख में ये कहने में संकोच नहीं है कि वो जो एक शेर है ना कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, कहीं ऐसी गति ना हो जाए, जो मुझे दिख रहा है। आनंद जी,